please subscribe and don't forget to press the bell icon to get notified whenever we upload a new video. पी चिदम्बरम के मुताबिक कश्मीर के लोग आजादी नहीं स्वायत्तता चाहते हैं। पी चिदम्बरम के मुताबिक कश्मीर के लोग आजादी नहीं स्वायत्तता चाहते हैं। Most people, the overwhelming majority, want autonomy. बीजेपी नेता राम माधव के मुताबिक कश्मीर के लोग कांग्रेस की गलतियों की सजा भुगत रहे हैं। पी चिदम्बरम के बयान पर स्मृति ईरानी ने कहा कि कांग्रेस देश के टुकड़ों की बात कर रही है। मैं तो अचंभित नहीं हूं, यह अपेक्षित है कि कांग्रेस का ही नेता हिंदुस्तान को तोड़ने की बात करे। कश्मीर पर पी चिदम्बरम के बयान को कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला ने निजी बताया। स्पेन ने स्वतंत्रता छीन कैटालोनिया को का नियंत्रण अपने हाथों में लिया। गाजियाबाद के साहिबाबाद से गाड़ियों को फर्जी तरीके से बेचने वाले गिरोह का पकड़ा। 1 नवंबर को सीएम योगी प्रवासी भारतीय दिवस कार्यक्रम में हिस्सा लेने मॉरिशस जाएंगे। राष्ट्रपति कोविंद ने कोर्ट के फैसले की कॉपी स्थानीय भाषा में देने की पैरवी की। कांग्रेस पर निशाना साधते हुए नकवी ने कहा कि अब कांग्रेस का हाथ आतंकवाद के साथ। अभी तक तो हम सब कहते थे कि कांग्रेस का हाथ करप्शन के साथ, अब तो लोग कहने लगे कि कांग्रेस का हाथ आतंक के साथ। कांग्रेस के मुताबिक बीजेपी गुजरात जीतने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार है। बीजेपी की ऐसी दुर्गति हो गई है देश के अंदर, ग्राफ जा रहा नीचे बहुत भयंकर रूप से, इसलिए ये ऐसी हरकतें करने लगे अभी से ही, काम दाम दंड भेद कुछ भी कर लो, धन बल से बहुबल से जीते। गुजरात में बीजेपी ने कांग्रेस का हाथ आतंकी के साथ नाम से कैंपेन शुरू किया। गुजरात के सीएम रूपाणी ने राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए उन्हें चमगादड़ों का नेता बताया। आज हमारी चिड़ियावाली सभा में कन्हैया मुखिए एक प्रस्ताव दिया कि भाई आजकल सूरज भी बहुत चर्चा में है, आधी को ये सूरज नहीं जोयो, हमारी चिड़िया सूरज क्या चीज हो, क्योंकि ना सूरज जोयो नहीं प्रकाश। हार्दिक के सवाल पर कांग्रेस ने सामान्य वर्ग को 20% आरक्षण की बात कही। हार्दिक पटेल ने उस पर ज्यादा स्पष्टता देने की मांग रखी है, हमारा जो अप्रोच है वो पॉजिटिव है। ताजमहल पर ओवीसी ने कहा कि बीजेपी नेताओं के दिमाग की सफाई की जरूरत। लखनऊ में सीएम योगी ने 5 जन पत्रिका की वर्षगांठ के कार्यक्रम में हिस्सा लिया। बांद्रा में कर्ज की वजह से किसान ने खुदकुशी की बात को डीएम ने गलत ठहराया। सीएम योगी ने पासपोर्ट की कैटेगरी बदलने के लिए दोबारा आवेदन किया। उत्तर प्रदेश के शामली में पंचायत ने छेड़खानी का हवाला देकर लड़कियों के बस से स्कूल जाने पर रोक लगाई। कानपुर आईआईटी के सांस्कृतिक कार्यक्रम के आखिरी दिन छात्रों ने खूब मस्ती की। उत्तर प्रदेश के जालौन में बीजेपी कार्यकर्ताओं पर पुलिस से हाथापाई का आरोप लगा। यूपी के कैबिनेट मंत्री के काफिले की गाड़ी से कुचलने पर एक बच्चे की मौत का आरोप लगा। देहरादून में एसिड अटैक पीड़ितों ने रैंप पर कैटवॉक किया और ऐसे मामलों में कार्रवाई की मांग की। गोंडा में मरने वाले बच्चे के परिजनों को योगी सरकार 5 लाख रुपए मुआवजा देगी। दिल्ली में बहन सुंदर दास पर अपनी शिष्या से छेड़खानी का आरोप लगा। उत्तर प्रदेश के गोंडा में फर्जी दस्तावेजों पर नौकरी पाने वाले 15 टीचरों को पकड़ा गया। और बड़ी खबर, मुंबई में एमएनएस कार्यकर्ताओं और फेरी वालों के बीच हुई मारपीट के बाद टकराव बढ़ गया। मुंबई के मलाड में कल सामान फेंकने से नाराज कुछ फेरी वालों ने एमएनएस के कुछ कार्यकर्ताओं की पिटाई कर दी थी, जिसके बाद देर शाम एमएनएस के कार्यकर्ताओं ने मलाड, दादर और कुछ और इलाकों में फेरी वालों की दुकानों पर हंगामा किया और उनका सामान फेंक दिया। एमएनएस का आरोप है कि कांग्रेस नेता
संजय निरुपम के उकसाने के बाद फेरी वालों ने मारपीट की है। इस बीच मुंबई पुलिस ने दंगा फैलाने के मामले में 7 फेरी वालों को गिरफ्तार किया है, जबकि मलाड में तोड़फोड़ करने वाले 15 लोगों को हिरासत में लिया है। साथ ही अंधेरी में संजय निरुपम के घर की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। उनको स्टेशन के यहाँ पे अशोक करके रखे, वहाँ पे कुछ मारपीट हुई है, उसमें ऑफेंस रजिस्टर कर लिया गया है और 7 लोगों को अरेस्ट किया गया है। कार्रवाई आगे की उसमें चल रही है। और विवेक गुप्ता हमारे साथ फोनलाइन पर मौजूद है। विवेक, पूरा मामला जो है ये साफ से बताइए कि आखिर हुआ क्या, कैसे मारपीट हुई? हाँ देखिए, पूरा मामला यही है। महाराज के अहमदनगर में कुछ फेरी वालों के ऊपर एम्बुलेंस ट्रैक्टर था, जब उनके पास गए थे, उनकी दुकानें जो सड़क पर लगी थी उनको जब हटाने की कोशिश की गई थी, तो उन फेरी वालों और एम्बुलेंस कार्यकर्ताओं में कुछ झड़प हो गई थी। झड़प आगे इतनी ज्यादा बढ़ गई कि मारपीट तक चौबत पहुंच गई, जिसमें एम्बुलेंस के कार्यकर्ताओं को काफी ज्यादा पिटाई की गई। उसमें कुछ लोग बुरी तरह घायल हो गए, उसके बाद अस्पताल में भर्ती हो गए। इसके बाद जो मुंबई में एम्बुलेंस के कार्यकर्ता काफी नाराज हो गए कि उनके साथ साथ कहना है कि वो जो फेरी वाले को हटा रहे थे तो उनके साथ मारपीट नहीं होनी चाहिए थी। उन्होंने एम्बुलेंस कार्यकर्ताओं पर हाथ क्यों उठाया। इसके बाद मुंबई के मलाड इलाके, दादर और जहाँ पे जितने भी फेरी वाले लगते हैं उनको फिर एम्बुलेंस की गुंडागर्दी सामने देखने को मिली। उन्होंने जितने फेरी वाले उन्हें जबरन उन्हें हटाने की कोशिश की। एहतियातन तौर पर मुंबई पुलिस ने इस पूरे मामले में एम्बुलेंस के जो नेता हैं उन्हें डिटेन करके रखा हुआ है। उनको शक है कि अहमदनगर में जो भी हुआ है उसका खामियाजा मुंबई की जनता को उठाना पड़ेगा। और ये पूरा मामला है वायलेंस काफी ज्यादा हो सकता है। इसी मद्देनजर रखते हुए मुंबई की जो जितने फेरी वाले हैं उन्हें उनके प्रिकॉशन मेजर पे उनकी सुरक्षा बढ़ाई गई है। शुक्रिया विवेक। पूछताछ के लिए छत्तीसगढ़ पुलिस पत्रकार विनोद वर्मा को रायपुर लेकर पहुंची। छत्तीसगढ़ सरकार ने सीडी कांड की जांच सीबीआई से कराने की सिफारिश की। रायपुर में बीजेपी के कार्यकर्ताओं पर आप कार्यकर्ताओं से मारपीट करने का आरोप लगा। रायपुर में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने छत्तीसगढ़ कांग्रेस के अध्यक्ष के घर प्रदर्शन किया। बिहार के बक्सर में एसडीओ ने अभियंता पर प्रताड़ना का आरोप लगाया। उत्तर प्रदेश के मेरठ में बीएसपी की रैली में चोरी के आरोप में एक लड़के की पिटाई कर दी गई। लुधियाना में एक 11वीं के छात्र पर दूसरे छात्र को बुरी तरह पीटने का आरोप लगा है। केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने दलित लड़की से शादी करने की राहुल गांधी से अपील की। मुंबई में एमएनएस कार्यकर्ताओं को काबू करने के लिए पुलिस ने लाठीचार्ज किया। मुंबई के दादर में एमएनएस कार्यकर्ताओं ने कई जगह तोड़फोड़ की। मुंबई में गुस्साए फेरी वालों ने एमएनएस कार्यकर्ताओं की पिटाई कर दी। एमएनएस ने कांग्रेस नेता संजय निरुपम पर फेरी वालों को उकसाने का आरोप लगाया। तबीयत में सुधार के बाद कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी को अस्पताल से छुट्टी मिल गई। बिहार के रोहतास में जहरीली शराब पीने से 5 लोगों की मौत हो गई। हरियाणा के यमुनानगर में फायरिंग के आरोप में कांग्रेस नेता को गिरफ्तार किया गया। बिहार के वैशाली में केंद्रीय मंत्री रामविलास का काफिला घंटों जाम में फंसा रहा। मध्य प्रदेश के हरदा में छात्र संघ चुनाव की सरगर्मी के बीच एनएसयूआई और एबीवीपी कार्यकर्ता भिड़े। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर पुलिस ने एक घर से 1 करोड़ की नशीली दवा बरामद की। पंजाब के जलंधर में कपड़ा कारोबारी पर हमले के इरादे से आए लड़कों को पकड़ लिया गया। उत्तर प्रदेश के गोंडा में संपत्ति के लालच में भतीजे को पीटने का आरोप चाचा पर लगा। उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर में बिजली के तार की चपेट में आने से ट्रक धू धू कर जलने लगा। हरियाणा के फरीदाबाद में महिला की मौत के बाद परिजनों ने डॉक्टर की पिटाई कर दी। उज्जैन की एक मंडी में गुस्साए किसानों ने व्यापारी को दौड़ा दौड़ा कर पीटा। मथुरा में तेज रफ्तार कार ने 3 मजदूरों को रौंद दिया, जिनमें 2 की मौके पर ही मौत हो गई। दिल्ली में शगुन ज्वेलर्स से 90 लाख की लूट का मास्टरमाइंड गिरफ्तार हुआ।
और बड़ी खबर जनक दे रहे हैं, आरक्षण के मुद्दे पर रुख साफ करने की पाटीदार नेता हार्दिक पटेल की मांग को मानते हुए कांग्रेस ने कहा कि अगर गुजरात में उनकी सरकार बनती है तो वो आर्थिक तौर पर पिछड़े सवर्णों को 20% आरक्षण देगी। कांग्रेस ने कहा कि उनके विधायकों ने सदन में भी इस तरह का बिल पेश किया था लेकिन बीजेपी सरकार ने उसे नकार दिया। गुजरात कांग्रेस अध्यक्ष भरत सोलंकी ने कहा कि अगर कांग्रेस की सरकार बनी तो फिर से इस तरह का विधेयक पेश किया जाएगा। जब चुनाव हो जाएंगे और नए विधायक आ जाएंगे तो हमारी पार्टी पहला काम करेगी विधानसभा में ये 20% आरक्षण लाने के लिए। गुजरात में पारित करने के बाद ये विधायक को पार्लियामेंट में भेजा जाएगा और पार्लियामेंट को रिक्वेस्ट करेंगे कि पार्लियामेंट भी ये बिल को पास करे और तवज्जो दे और साथ में सुप्रीम कोर्ट के साथ मिलकर ये आरक्षण को प्रतिपादित करे। ओबीसी में आरक्षण की थी, ईबीसी हालांकि भारतीय जनता पार्टी ने 10% पारित किया है, सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है, वहां पत्रकार भी कांग्रेस नहीं बनी है। मैं पूछना चाहता हूं कि कोई एक नाते को ईबीसी मिलती है क्या? पाटीदार समाज को गुमराह करने के लिए वो आंदोलन चलाने वाले नेता कांग्रेस के नेता राहुल गांधी वो मैच फिक्सिंग दिखाई दे रहा है। और हमारे सहयोगी जनक दवे इस वक्त फोनलाइन पर मौजूद हैं। जनक, जिस तरह से कांग्रेस ने 20% आरक्षण की जो बात रखी है, इससे कांग्रेस को कितना फायदा पहुंच सकता है? देखिए, फायदे का तो बिल्कुल साफ है कि ये दरअसल इसलिए अनाउंसमेंट भी की गई है कि हार्दिक ने अपना आरक्षण के मामले पर कांग्रेस को अपना रुख स्पष्ट करने के लिए कहा था। हार्दिक ने चेतावनी दी थी कि 2 तारीख पर वो अपना आरक्षण संवैधानिक रूप से किस तरीके से आरक्षण देंगे ये कांग्रेस स्पष्ट करे, नहीं तो राहुल की जो जनसभा होने वाली है 3 तारीख को सूरत में उसमें उसका विरोध करेंगे। ये जैसे ही उसने ट्वीट किया हार्दिक पटेल ने, उसके बाद फौरन ही कांग्रेस से प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए ये साफ कर दिया कि वो 20% आरक्षण देने वाले हैं। मसलन की एक हार्दिक का कांग्रेस को समर्थन देने का एक जो रास्ता है और आप पाटीदारों की जो नाराजगी है उसको वोटों में तब्दील करना चाहती है कांग्रेस, एक राजनीतिक फायदा लेना चाहती है, जिसके चलते उन्होंने ये घोषणा की है। अब होगा कि हार्दिक पटेल और राहुल गांधी की मुलाकात भी होगी, क्योंकि अशोक गहलोत ने कल कह दिया कि वो न्योता दे रहे हैं हार्दिक को कि आए और वो राहुल गांधी से मिले। इससे पहले भी हालांकि होटल उमेद में उन दोनों की मुलाकात हो गई थी और उसी फ्रेमवर्क के आधार पर कल की घोषणा की गई। तो अब देखना होगा 3 तारीख को हार्दिक और राहुल एक मंच पर होंगे और आधिकारिक तौर पर हार्दिक कांग्रेस को। शुक्रिया जनक। गुजरात चुनाव की गहमा गहमी के बीच पीएम मोदी आज एक दिन के कर्नाटक के दौरे पर जाएंगे। मध्य प्रदेश के सिवनी में स्कूल की छात्रा से छेड़खानी के आरोप में एक शिक्षक गिरफ्तार। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में मदरसे के एक बच्चे को जंजीर से बांधने के मामले में केस दर्ज। सोमालिया के मोगादिशु में आत्मघाती बम धमाके में 18 की मौत हो गई। उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद से नकली नोट छापने वाली 3 जालसाज गिरफ्तार किए गए। फीफा अंडर 17 के फाइनल में स्पेन के 5-2 से हराकर इंग्लैंड विश्व विजेता बना। दिल्ली पुलिस ने 1,00,000 रुपए के इनामी बदमाश प्रदीप राणा को गिरफ्तार किया। हिमाचल प्रदेश के बीजेपी अध्यक्ष सतपाल सत्ती की जनसभा में हंगामा खड़ा हो गया। राजस्थान में 6 की किताब में हल्दी घाटी के युद्ध की तारीख बदलने पर विवाद खड़ा हो गया। आगरा पुलिस ने पर्यटकों से ठगी करने वाले 50 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया। पर्यटन मंत्री ने फतेहपुर सीकरी में एक हमले में घायल विदेशी जोड़े का हाल जाना। पीएम मोदी 11 बजे मन की बात कार्यक्रम में देश को संबोधित करेंगे। उत्तर प्रदेश के देवरिया में बाइक सवार बदमाशों ने गोली मारकर एक कारोबारी को लूट लिया। उत्तर प्रदेश के बलरामपुर में एक लड़की की गला रेतकर हत्या कर दी गई। उत्तर प्रदेश के हमीरपुर में मुस्लिम लड़के पर लव जिहाद के आरोप में बजरंग दल का हंगामा। उत्तर प्रदेश के हापुड़ में तेज रफ्तार कार ट्रैक के पीछे जा घुसी जिसमें चालक की मौत हो गई। हिमाचल प्रदेश के सीएम वीरभद्र सिंह ने बीजेपी पर तोड़फोड़ की राजनीति का आरोप लगाया।
हिमाचल में केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने दावा किया कि अगले 5 साल तकदीर बदलने के हैं। हिमाचल में कांग्रेस ने निर्दलीय चुनाव लड़ने वाले 7 बागियों को पार्टी से बाहर किया। हिमाचल के मनाली में कांग्रेस नेता मानचंद्र समर्थकों के साथ बीजेपी में शामिल हुए। टीम इंडिया आज न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे सीरीज जीतने के इरादे से उतरेगी। वनडे सीरीज के फाइनल मुकाबले से पहले भारत न्यूजीलैंड की टीम ने अभ्यास किया। तेजस्वी यादव ने जहरीली शराब से हुई मौतों के लिए नीतीश कुमार पर हमला बोला। और बड़ी खबर मनोज शर्मा दे रहे हैं। छत्तीसगढ़ की रमन सरकार ने चर्चित सेक्स सीडी कांड की जांच सीबीआई से कराने की सिफारिश की है। 2 दिन पहले ही इस मामले में छत्तीसगढ़ पुलिस ने वरिष्ठ पत्रकार विनोद वर्मा को यूपी के गाजियाबाद से गिरफ्तार किया था। आरोप है कि विनोद वर्मा ने बीजेपी के कार्यकर्ता को फोन कर एक सेक्स सीडी होने का दावा करते हुए रुपयों की मांग की थी और नहीं देने पर सीडी को सार्वजनिक करने की धमकी दी थी। जबकि गिरफ्तार विनोद वर्मा का आरोप है कि उनके पास छत्तीसगढ़ के मंत्री राजेश मूणत की सीडी है, इसलिए उन्हें जानबूझकर गिरफ्तार किया गया है। इस मामले में कांग्रेस के नेता भूपेश बघेल के खिलाफ भी मामला दर्ज है। इस बीच पुलिस विनोद वर्मा को लेकर रायपुर पहुंच गई है, जहां पर उनसे पूछताछ की जाएगी। जो सीडी बनाने, सीडी देने, इसके फंडिंग से लेकर के और पॉलिटिकली क्रिमिनल इन्वॉल्वमेंट, ये 6 बिंदुओं को आधार मानते हुए मंत्रिपरिषद ने यह निर्णय लिया है कि इसकी सीबीआई जांच की जाए और केंद्र को सीबीआई जांच के लिए प्रेषित किया है। फिल्म पद्मावती में मॉडल अनुप्रिया गोयनका का पहला लुक जारी किया गया। कुरुक्षेत्र में गृहमंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि भारत आज आतंकवाद की समस्या से जूझ रहा है। केंद्रीय मंत्री हर्षवर्धन के मुताबिक स्वास्थ्य मंत्रालय से हटाने पर उन्हें धक्का लगा था। बिहार के गोपालगंज से छापेमारी में 29 पेटी देशी शराब बरामद की गई। बिहार के बेगूसराय में स्कूल के प्रिंसिपल पर छात्रा से रेप की कोशिश का आरोप लगा। चीन के शियामन में नाव रेस की प्रतियोगिता में 25 देश हिस्सा लेंगे। हिमाचल प्रदेश के शिमला में चुनाव आयोग ने ईवीएम और वीवीपैट का प्रशिक्षण दिया। मुंबई में एमएनएस कार्यकर्ताओं की पिटाई के मामले में 7 फेरी वाले गिरफ्तार। पटना पायरेट्स ने लगातार 3री बार प्रो कबड्डी लीग का खिताब जीता। एनजीटी ने वैदिक धर्म संस्थान की कोलकाता की इमारत को गिराने के आदेश दिए। रणबीर कपूर और अमिताभ बच्चन की फिल्म ब्रह्मास्त्र 3D में रिलीज होगी। सहवाग ने ट्वीट कर अपने अंदाज में ट्रैफिक नियमों के लिए जागरूक किया। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह हिमाचल प्रदेश में 10 रैलियां करेंगे। भोपाल में बजरंग दल के अधिवेशन में कानून बनाकर राम मंदिर बनाने की मांग उठी। रायपुर में 4 दिनों तक चलने वाले इंटर एम्स फेस्टिवल का शुभारंभ हुआ। सीडी कांड को लेकर कांग्रेस आज सीएम रमन सिंह के आवास का घेराव करेगी। रोहतास में जहरीली शराब से हुई मौतों के बाद नीतीश कुमार ने आपात बैठक बुलाई। बिहार के नवादा में एक कार से 147 बोतल अंग्रेजी शराब जब्त की गई। रोहतास में जहरीली शराब पीने से हुई मौतों की जांच के लिए टीम बनाई गई। महिला हॉकी एशिया कप में भारत ने सिंगापुर को 10-0 से मात दी। छत्तीसगढ़ के बस्तर में खराब मोबाइल नेटवर्क से नाराज लोगों ने प्रदर्शन किया। आगरा विश्वविद्यालय से फर्जी डिग्री लेने वाले 4,570 शिक्षक बर्खास्त किए गए। चिलोंग में शहीदों के सम्मान में बीएसएफ ने मैराथन 2017 का आयोजन किया। 7वें वेतन आयोग के तहत वेतन की मांग कर रहे एम्स के रेजिडेंट डॉक्टरों की हड़ताल खत्म। हिंसा के बाद स्पेन की एकता के लिए सड़कों पर कार और मोटरसाइकिलों के साथ रैली निकाली गई। कश्मीर को स्वतंत्रता देने वाले पी चिदंबरम के बयान से कांग्रेस ने किनारा किया तो बीजेपी ने बताया देश से गद्दारी। मोस्ट पीपल, आई एम नॉट सेइंग ऑल, मोस्ट पीपल, द ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी वांट ऑटोनॉमी।
हार्दिक पटेल के अल्टीमेटम का जवाब देते हुए कांग्रेस ने गुजरात चुनाव जीतने पर आर्थिक रूप से पिछड़े सवर्णों को 20% आरक्षण देने का ऐलान किया। मुंबई में एमएनएस कार्यकर्ताओं की पिटाई के बाद भड़के राज ठाकरे के कार्यकर्ताओं ने देर रात मुंबई में कई जगहों पर फेरी वालों से मारपीट की और दुकानें तोड़ी। छत्तीसगढ़ में सरकार ने मंत्री की कथित सेक्स सीडी और पत्रकार विनोद वर्मा पर ब्लैकमेलिंग के आरोप की सीबीआई से जांच कराने की सिफारिश की। यूपी के गोंडा में कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर के काफिले की गाड़ी से कुचलकर 8 साल के बच्चे की मौत के बाद मुख्यमंत्री ने डीजीपी से रिपोर्ट मांगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 11 बजे देशवासियों को मन की बात कार्यक्रम के जरिए संबोधित करेंगे। न्यूजीलैंड के खिलाफ आज कानपुर में होने वाले तीसरे और सीरीज के आखिरी वनडे में टीम इंडिया सीरीज जीतने के इरादे से उतरेगी।